हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं रौनक मुंबई से, वीरा राघव बेंगलुरु से, और ये है सूत्रों की माने तो सूत्र बहुत ही एक्टिव हो गए हैं क्योंकि चुनाव बस सर पर है और तारीख बस अनाउंस होने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा कि अपने दोस्तों से चर्चा करें, अपने रिपोर्टर्स से चर्चा करें, अपने एडिटर्स से चर्चा करें कि सूत्र क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, चुनाव का ऐलान होने वाला है, महायुति की कैसी है तैयारी रौनक? आज देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर सभी महाराष्ट्र की पार्टियों की अगर बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है तैयारियों के मामले में, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने 20 कैंडिडेट महाराष्ट्र से घोषित कर दिए हैं। कई पुराने चेहरों को ही मौका दिया है, लेकिन कुछ ऐसे जरूर सरप्राइजेस इस लिस्ट में देखने को मिले, जैसे कि गोपाल शेट्टी, जो कि पिछले बार लगभग 4 लाख वोटों से उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को हराया था। उम्मीद वो कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी कर रहे थे कि इतने बड़े मार्जिन से हराने के बाद फिर एक बार पार्टी मौका देगी, लेकिन लगता है कि उनकी उम्र कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा उनके लिए साबित हुई और अब वहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टिकट दे दिया है। लेकिन बीजेपी के अलावा उनके जो दूसरे सहयोगी दल है वो अब भी ये सीट चाहिए और उस सीट पे हमारा दावा है, इसमें अभी भी उलझे हुए, खासतौर से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जो खेमा है वो एक एक सीट को लेकर यहाँ पर बार्गेनिंग जो है वो बीजेपी के साथ करता हुआ दिख रहा है और अगले 48 घंटों में इस पर से पर्दा उठेगा। लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज वो राज ठाकरे को लेकर है, जो कि हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा होने जाने वाले हैं। इस तरह के संकेत खुद बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे चुके हैं और कल आशीष शेलार ने भी कहा है कि उच्च स्तर पर एमएनएस को लेकर बातचीत चल रही है। तो साफ संकेत एमएनएस के एनडीए में आने के, अगर एमएनएस एनडीए में आते हैं तो राज ठाकरे की राजनीति ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री घूम जाएगी। पहले मोदी के जबरा फैन रिवाइवल हो जाएगा जी, रिवाइवल हो जाएगा उनका जी। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि राज ठाकरे को आज जितनी जरूरत बीजेपी की है उतनी बीजेपी को भी राज ठाकरे की है, क्योंकि राज ठाकरे अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोटों का बिखराव हो सकता है और बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा इस चुनाव में हो। इसलिए राज ठाकरे को, उनका एक ही विधायक है लेकिन उनको एक लोकसभा की सीटें यहाँ पर देने की तैयारी चल रही है। किसके कोटे से मिलेगी इसका निर्णय तो एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस लेंगे, लेकिन दक्षिण मुंबई की हाई प्रोफाइल सीट उन्हें मिल सकती है जी। लेकिन रौनक, अगर ये देखें, भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट लगभग अनाउंस कर दी है और अब छोड़ दिया है कि अजीत पवार का फैक्शन और जो दूसरे हैं वो अपना अनाउंस कर लें, जो एनसीपी है वो जी। अभी तो केवल 22 कैंडिडेट उन्होंने, हाँ 20 कैंडिडेट उन्होंने, हाँ 20 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और 10 कैंडिडेट और बीजेपी, 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। फिल्म स्टार्स कौन कौन? फिल्म स्टार में केवल माधुरी दीक्षित का एक नाम है जो चर्चा में, और दूसरा गोविंद, जहां से टिकट मांग रहे वहां से ऑलरेडी पीयूष गोयल को टिकट पार्टी ने दे दिया, ऐसे में अब उनको टिकट मिलेगा उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन फिल्म स्टार की अगर बात की जाए तो बीजेपी केवल माधुरी दीक्षित को टिकट दे सकती है, वो भी तब अगर, जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर संजय निरुपम को नॉर्थ वेस्ट की सीट कांग्रेस ने नहीं छोड़ी या कांग्रेस को वो नहीं मिली तो वे शिंदे या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राहुल गांधी की बड़ी रैली 17 तारीख को मुंबई में है, उसके पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है। कई बड़े झटके राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बीजेपी देने की तैयारी में है जी। चलिए, अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप, क्योंकि आपको एक मीटिंग में जाना है, जल्दी से आप बता दीजिए महाविकास आघाड़ी की तैयारी जमीन पे कैसी है? महाविकास आघाड़ी की कुछ देर बाद मुंबई में एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें शरद पवार, केसी वेणुगोपाल ये मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि जो 4 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को ऑफर की गई है उस पर अब तक कोई रिप्लाई प्रकाश अंबेडकर की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में अब ये तय करना होगा कि क्या प्रकाश अंबेडकर जो 5 सीटें मांग रहे हैं क्या एक कांग्रेस के कोटे से जाएगी। अगर इस पर कोई फैसला होता है तो प्रकाश अंबेडकर को आज की बैठक के बाद वो सूचित किया जाएगा, और अगर नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव 2019 में जिस तरह के रिजल्ट महाराष्ट्र में आए थे कुछ उसी तरह के रिजल्ट महाराष्ट्र में आ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा डेंट महाविकास आघाड़ी को लग सकता है अगर प्रकाश अंबेडकर अलग लड़ते तो वोटों का बिखराव साफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। 48 सीटें अगर हैं तो चुनाव सर पर है, बस तारीख ऐलान होने वाली है। और आप फिर बताइए ओवरऑल 48 सीट्स का पिक्चर दे दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या सूत्र बता रहे हैं सीट बाय सीट? जी देखिए, सूत्रों की भी माने और दूसरा जो एनालिसिस सामने निकल कर आ रहा है वो ये कि प्रकाश अंबेडकर क्या करते हैं, इस और सभी की निगाहें टिकी। अगर प्रकाश अंबेडकर अलग लड़ते हैं तो ये मान लीजिएगा कि 2019 की तरह ही महाराष्ट्र में नतीजे जो है वो देखने को मिलेंगे। वोटों का सीधा विपक्ष के वोटों में बिखराव होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी और उनके गठबंधन को होगा। ऐसे में अगर मुझे लगता है कि 40-42 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन यहाँ जीत सकता है, लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी में रहते हैं तो हर एक सीट पर कट टू कट फाइट होगी महाराष्ट्र में। चलिए रौनक, थैंक यू सो मच। अब रणवीर, स्वागत है आपका। सूत्र क्या कह रहे हैं? और रवीश, आपका भी स्वागत है। आप भाजपा ऑफिस के बाहर से दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं। पशुपति नाथ पारस भी शायद बहुत परेशान है क्योंकि भाजपा ने तय कर दिया है कि वहां एलजेपी का कौन होगा, किसके सर पे होगा एलजेपी का ताज। मुझे बताइए किसका टिकट कट रहा है बिहार में? रवीश, अगर आप सुन सकते हैं, भाजपा बिहार में अभी तक उसने लिस्ट क्यों नहीं जारी की है भाजपा ने? जी देखिए मारिया, मुझे लगता है कि भाजपा की अभी एक और सीईसी की बैठक होगी, वो परसों या नरसों हो सकती है। तो उस बैठक के बाद में बिहार के नामों की घोषणा होगी और उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उस पर नामों की घोषणा होगी। लेकिन जैसा कि साफ है, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में वो भतीजे को ज्यादा तरजीह दे रही है, यानी चिराग पासवान को ही लोक जनशक्ति पार्टी का वो वारिस मानती है। और वो है भी, क्योंकि चिराग पासवान की अगर हम बिहार में देखें तो जो भी उनके परंपरागत वोट बैंक हैं वो चिराग पासवान के साथ में कंसोलिडेट ज्यादा दिख रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी को जो ग्राउंड पर सर्वे हुआ उसमें ये पता चला कि जो चिराग पासवान है वो अपने चाचा के मुकाबले काफी मजबूत हैं। अब आज देखना होगा कि आज बैठक चल रही है, उस बैठक में आखिर पारस उसमें क्या, उसके बाद में क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन बिहार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार जो है वो बिहार में हैवीवेट कैंडिडेट काफी सारे हैं। गिरिराज सिंह हैं, आरके सिंह हैं, तमाम सारे ऐसे मिनिस्टर हैं। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है कि ज्यादातर लोगों को टिकट बीजेपी दोबारा दे रही है। 2-4 लोगों के भले उसमें कट सकते हैं जिनके बहुत ज्यादा जिनकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो खराब है, जिनका सर्वे खराब आया है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्हीं का कट सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग खबर मिल रही है रिटेन करेंगे ना। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि किसके टिकट कट रहा है? अब देखिए सूत्रों के, आप जान रही हैं कि बीजेपी में सस्पेंस और थ्रिल जो है वो लास्ट मोमेंट तक बना रहता है। अब नाम तो पता है लेकिन हाँ, सवाल आप मारिया के ऊपर डाल दीजिए, उन्हीं से पूछिए। हाँ, मारिया को ज्यादा समझ है, बिहार से मूल रहने वाली है। मारिया को भी खबर होगी कि किसका टिकट कट रहा है, ऐसी बात नहीं, वो मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हैं। नहीं रवीश, हम आपके पास फिर से आएंगे क्योंकि अभी वीरा बताना चाह रहे हैं हमको कि जो कर्नाटक में जो उम्मीदवारों की सूची आई है भाजपा की, उसके बाद बहुत सारी नाराजगी भी चल रही है। वीरा, क्या हो रहा है? जी कुछ क्षेत्रों में ऐसा है मारिया, आप जैसे जानते हो 9 उम्मीदवार इनकम्बेंट्स का सीट्स वर रिमूव्ड बाय द बीजेपी। तो इसमें देयर इज वो बात है। इसमें जैसे देखिए मैसूर सीट है जहां 2 टाइम एमपी प्रताप सिम्हा को रिप्लेस करके मैसूर महाराजा को फील्ड किया भाजपा ने। इसमें ऐसा लग रहा है कि देवगौड़ा का हाथ काफी इन्फ्लुएंस है इसमें। देवगौड़ा का एडवाइस के ऊपर गया है बीजेपी इस मामले में, और बीएस येडियुरप्पा का जो इन्फ्लुएंस है उसके वजह से केएस ईश्वरप्पा को कहना है, जो उनका पुराना राइवल है और कुरुबा लीडर है, उनको उनके बेटे के लिए वो चाह रहे थे हावेरी गदक सीट, लेकिन येडियुरप्पा मना कर दिए थे। तो इसीलिए वो वहां बसवराज बोम्मई को फील्ड किया गया, जो माना जाता है हावेरी में मजबूत है बसवराज बोम्मई, लेकिन गदग में उनका ज्यादा ये नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है। तो ऐसे नाराजगी है। और लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है मारिया, और शायद आप लोग शायद जानते होंगे ये दिल्ली में, कि उत्तर कन्नड़ा को जो 6 टाइम एमपी है जो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स काफी कुछ कर चुके हैं, अनंत कुमार हेगड़े, उन्हें रिप्लेस करने की बात चल रही है। और हमें सूत्रों ने ये बताया कि शायद केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रालय का कोई एक वरिष्ठ मंत्री शायद वहां से लड़वाना चाहते हैं, उत्तर कन्नड़ा से। हमें नाम नहीं, अभी तक यहाँ पे नाम नहीं पहुंचा है, लेकिन ये काफी नाम का चल रहा है, जैसे जयशंकर का नाम का बात चल रही है, निर्मला सीतारामन का बात चल रहा है, लेकिन कोई मतलब दीज आर ऑल जस्ट स्पेकुलेशन, वाइल्ड स्पेकुलेशन एट द मोमेंट। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट वन सीट ऑन उत्तर कन्नड़ा। एंड नाउ दो चीजें हैं इसमें, जैसे बीजेपी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी लगी है, एक तो इनकम्बेंट्स को बदलना है, दूसरा येडियुरप्पा कैंप को थोड़ा बहुत अकोमोडेशन और उनका अथॉरिटी है, और जेडीएस का जो चाहता है, जैसे बेंगलुरु रूरल में आप मान लीजिए एक ही सीट बीजेपी कांग्रेस ने जीता था 2019 में, डीके सुरेश जो डीके शिव कुमार का भाई है, उनके सामने देवगौड़ा का सन इन लॉ विल बी फाइटिंग, सी एन मंजुनाथ विल बी फाइटिंग, सो दैट विल बिकम अ प्रेस्टीज बैटल। और दूसरा है कोलार सीट, ऐलान कर दिया कुमारस्वामी ने, तो ऐलान कर दिया कि जो सीट बीजेपी ने जीता था पिछले बार, बीजेपी कैंडिडेट ने 7 कांग्रेस एमपी केएच मुनियप्पा को हराया था, उधर केएच कुमारस्वामी ने ऐलान कर दिया जेडीएस लड़ेगा इस बार। तो इंटरेस्टिंग रहेगा इन सब मामले। मैं आपसे पूछूंगी कांग्रेस के बारे में वीरा, और प्रधानमंत्री जो साउथ का इतना ज्यादा दौरा कर रहे हैं, तो क्या समीकरण है, लेकिन उससे पहले रणवीर बताएंगे हमें। रणवीर, तो क्या तय हो गया है कि रायबरेली और अमेठी से कौन होगा इंडिया का उम्मीदवार? देखिए, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सूत्रों का ये कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। और विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सर्वे कराया गया दोनों सीटों पर कि कितना सेफ रहेगा, और खास तौर पे प्रियंका गांधी के लिए पहला चुनाव लड़ना है उनको, और अगर चुनाव लड़े मुसीबत हो जाए तो दिक्कत होगी, इसलिए एक इंतज़ार है, उस रिपोर्ट का एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद तय होगा कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। और कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ, जो वायनाड से तो लड़ेंगे लेकिन अमेठी जो उनके परिवार का गढ़ है वहाँ से लड़ेंगे या नहीं। हालांकि यूपी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव बनाया, वो प्रस्ताव बना करके दिल्ली लेके गए, गांधी परिवार को दिया, और आग्रह ये किया कि भाई आपके परिवार की सीट है, इंदिरा जी वहां से जीत चुकी हैं, उनके परिवार बाकी सदस्य जीत चुके हैं, तो आपको अपना गढ़ नहीं छोड़ना चाहिए। और यूपी कांग्रेस मानती है कि गांधी परिवार अगर लड़ेगा तब यूपी में जो 17 सीटें इंडिया अलायंस में कांग्रेस को मिली है उन पे भी फायदा होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही यहाँ से अवॉइड करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो पहला संकट ये होगा कि अमेठी और रायबरेली में लड़ाएं किसको, और दूसरा संकट ये होगा जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल एक तरह से टूटेगा, क्योंकि गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा अटैचमेंट, बहुत लंबा, दशकों पुराना यूपी से रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात करें जो फूलपुर से सांसद थे, इंदिरा गांधी की बात करें, या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि जो बचे हुए हैं 50+ सीट्स अनाउंस हो चुकी है रणवीर भाजपा की, और कितनी बचे हुए हैं, और क्या कैलकुलेशन चल रहा है वो सब सीट्स में? देखिए, कैलकुलेशन ये है, अगर भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, तो 80 में से बीजेपी 75 सीटों पर लड़ेगी, 2 पर अपना दल, 2 पर आरएलडी और 1 पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और बीजेपी के जो चौथे अलायंस पार्टनर है निषाद पार्टी, उनके अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद एक बार फिर से बीजेपी के सिंबल पर संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब 75 में से 51 पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, 5 सहयोगियों को करने हैं, बचे 24। अब 24 में बचे कौन है? कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में रहे, उनको टिकट दें या ना दें। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि टिकट जिसको भी मिलेगा वो ब्रिजभूषण की सहमति से मिलेगा, ये पार्टी में तय है। लेकिन क्या ब्रिजभूषण ही लड़ेंगे, इसको लेके अभी थोड़ा असमंजस है। दूसरा बड़ा नाम सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि वरुण गांधी ने लगभग 25 दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता से दिल्ली में 1.5 घंटे मुलाकात की, और इस मीटिंग में बातचीत हो गई। मारिया मुस्कुरा रही है, शायद आपको भी जानकारी है। तो वरुण गांधी ने बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की, जो गिले शिकवे, जो बयानबाजियां हुई हैं, उनको लेकर के बातचीत हो गई है, और संभव है कि वरुण गांधी को तो टिकट मिल जाए। मेनका गांधी को लेकर के थोड़ा सस्पेंस है, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सुल्तानपुर से कई चौंकाने वाले नाम भी आ रहे हैं। एक नाम हाल ही में समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले उनका भी आ रहा है, जो मनोज पांडे हैं, उनका 2 सीटों से नाम चल रहा है, रायबरेली से और सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर से नाम चलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मेनका गांधी की जगह किसी और पर विचार कर सकती है। अब अगर बात करें बाकी, रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी सस्पेंस है। इसके अलावा अगर आप देखिए वीके सिंह गाजियाबाद, उनकी सीट अटकी है, सतीश को अलीगढ़ उनकी सीट अटकी हुई है। तो ऐसे कुछ सीट है। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार केंद्र में मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में भी रहे, उनकी भी सीट पर सस्पेंस अटका हुआ है। तो ऐसी 24 सीटें हैं जिन सीटों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल विचार विमर्श कर रही है। और सूत्रों ने एक चीज कंफर्म की है, वो ये कि पहली लिस्ट आने से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। कोर कमेटी की बैठक में नाम फाइनल करके ऊपर दिया गया था, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स करने थे वो आलाकमान ने किया और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ। दूसरा जो लिस्ट यूपी के लिए, दूसरी लिस्ट बीजेपी की शायद तीसरी होगी, उस लिस्ट के पहले भी एक कोर कमेटी की बैठक होगी, नामों को फाइनल किया जाएगा और नाम फाइनल करके ऊपर दिया जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और उसके बाद नाम अनाउंस हो जाएगा। तो उम्मीद है, कल चूंकि डेट अनाउंस होना है तो अगले 2 से 3 दिन में, यानी 17 या 18 तारीख के आसपास। तो रणवीर, ये माना जाए तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी जरूर, तय नहीं है कि अमेठी से लड़ें या रायबरेली से लड़ें। देखिए, अगर लड़ेंगी तो संभवतः रायबरेली से ही लड़ेंगी और अमेठी हो सकता है राहुल गांधी आए चुनाव लड़ने। लेकिन अभी चूंकि मैंने बताया कि सर्वे कराया गया है, उस सर्वे पे एनालिसिस हो रहा है कि आखिर ब्लॉक और बूथ स्तर पर जो उनके वोटर्स हैं। चूंकि आपको एक और खबर बताऊं, राहुल गांधी ने अमेठी में जो पहली चुनावी राजनीति शुरू की थी, अमेठी में एक महिलाओं का और कुछ लोगों का संगठन बनाया गया। ऐसे 150 से ज़्यादा संगठन है जो अमेठी लोकसभा सीट पर एक स्वयं सहायता समूह जैसा है, उसमें सैकड़ों लोग होते हैं, वो काम करते थे। और ये पूरा जो स्वयं सहायता समूह का एक ग्रुप था, वो कांग्रेस पार्टी की एक मजबूती, लेकिन बीजेपी ने उसमें डेंट किया और इसी वजह से स्मृति ईरानी पिछली बार चुनाव जीती। तो स्मृति ईरानी ने अभी पिछले महीने अपना घर बनाया, उस घर में गृह प्रवेश भी कर लिया, बताने की कोशिश भी कर दी कि अब मैं अमेठी की बेटी हूँ, घर भी बना लिया, रहना भी यही है। ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी में लड़कर अगर हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक जो जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो गढ़ तो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, तो स्मृति ईरानी अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश कर लेंगी, क्योंकि एक बार चुनाव जीती, दूसरी बार अगर जीती तो ये सिद्ध हो जाएगा कि अमेठी ने उनको अपना लिया। जी, बिल्कुल सही। तो रवि, जल्दी से बताएं आप कि रायबरेली से भाजपा का कैंडिडेट कौन हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अभी विस्तारक योजना के संयोजक हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। सूत्र बता रहे हैं उनका भी नाम, जो पैनल गया है उसमें उनका भी नाम है। और बीजेपी जिसको भी लड़ाएगी वो संभवतः कोई ब्राह्मण चेहरा होगा। दूसरा नाम उसमें चल रहा है मनोज पांडे का, जो समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार से विधायक हैं। बगावत की राज्यसभा चुनाव में और बगावत करके वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। और उनसे जब बात हुई तो हमने मंशा पूछी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। तो मन में तो उनके भी है कि वो रायबरेली लड़े। इसके अलावा पूर्व मंत्री वर्तमान में मंत्री यूपी सरकार के दिनेश प्रताप सिंह, उनकी इच्छा है, 2-3 लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मनोज पांडे के आने के बाद और दिनेश शर्मा का नाम जाने के बाद उनकी गुंजाइशें बेहद कम हो चुकी हैं। और चौथा, कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो ब्राह्मण हो, बाहर से आए, लेकिन चर्चित चेहरा हो। अब वो चर्चित चेहरा क्या कुमार विश्वास होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर लड़ाई, क्योंकि वो तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, बीजेपी के कुछ सूत्र हैं जो कहते हैं कुमार विश्वास मिसगाइडेड मिसाइल हैं और इस वजह से उनको लेना बहुत रिस्की है। अदरवाइज कुमार विश्वास एक असेट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बोलना, उनका अटैक करना, किसी पर भी हमलावर हो जाना, इससे बीजेपी के लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। नहीं तो कुमार विश्वास की लॉटरी कब की खुल चुकी होती। तो रवीश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं दिल्ली में? कुमार विश्वास रायबरेली से? देखिए, कुमार विश्वास का नाम मीडिया में ज्यादा चल रहा है, लेकिन इस तरीके से हम लोग भी पार्टी के दफ्तर में जाते हैं, मुख्यालय में, उस तरीके से कुमार विश्वास का कोई नाम नहीं लेता है। बीजेपी के अंदर खाते इस बात की चर्चा है कि ज्यादातर अब जो है वो प्रधानमंत्री का मन रहता है कि कोई संगठन से ही जुड़े हुए किसी शख्स को जो है वो चुनाव लड़वाया जाए। तो कुमार विश्वास पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा मीडिया में हवा बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि रणवीर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा उनको जो है वो गंभीरता से नहीं लिया जाता है राजनीति में खास तौर पर, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुमार विश्वास कोई बहुत सशक्त दावेदारी है उनकी। चलिए मुझे अब वीरा आप बताएं कि प्रधानमंत्री नहीं, सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं, कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार होने वाले हैं वीरा, क्या सूत्र बता रहे हैं आप? जी वो उससे पहले मारिया सिर्फ मैं रणवीर जो कह रहे थे उसका एक ऐड करना चाहता हूं कि तेलंगाना में जो भोंगीर सीट है उसमें से भी प्रियंका गांधी का नाम काफी दिन से हम सुन रहे हैं कि शायद, क्योंकि क्या हुआ पिछले बार वायनाड से राहुल गांधी लड़ने के वजह से 19 सीट कांग्रेस को मिली थी केरला में जो 20 सीट का था। उसको माना जाता है कि परिवार से कोई अगर एक राज्य से लड़ेंगे उस राज्य में पूरा इन्फ्लुएंस होगा कांग्रेस का काडर के लिए। तो कांग्रेस का जो तेलंगाना है, मान लीजिए 2014 में तेलंगाना बनाने के बाद कांग्रेस काफी बुरा हाल में था। तेलंगाना में पिछले बार सिर्फ 3 सीटें जीते थे, नलगोंडा, एक जो आपका मलकाजगिरी जो रेवंत रेड्डी है, और 3 महबूबनगर। ये 3 सीटों का जो तीनों एमपी थे वो तीनों अभी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तीनों उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और रेवंत रेड्डी। जी बताइए वीरा जी। बोलिए। सवाल ये है कि जब इंदिरा गांधी कर्नाटक गई थी चुनाव लड़ने तो एक नारा लगा था, एक शेरनी सो लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, तो कहीं जी योर लाइन इज ब्रेकिंग अप, तो मैं सुन नहीं पा रहा था। आप चिकमंगलूर की बात कर रहे हैं? चिकमंगलूर वो मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक हिस्ट्री कहानी, ऐतिहासिक कहानी बता देता हूँ। चिकमंगलूर में जब इंदिरा गांधी लड़े थे तब देवराज उर्स चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक का। तो ये जो आप गुजरात का जो अहिंदा आप सुनते हैं ना, जो गुजरात का जो खाम अलायंस, वैसा अहिंदा अलायंस उन्होंने जोड़ा था इधर। और इंदिरा गांधी जब लड़े थे उनके सामने लड़े थे वीरेंद्र पाटिल, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, जो जनता परिवार के पास चले गए थे। एक्चुअली राजकुमार, एक्टर जो राजकुमार है कर्नाटक का बहुत बड़े एक्टर, उनको लड़वाना चाहता था जनता मूवमेंट ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सो ये वीरेंद्र पाटिल लड़े थे और रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस का हेड थे उन्होंने चिकमंगलूर में एक कैंप लगाया था, पूरा ऑफिस चिकमंगलूर में था कैंपेन करने के लिए वीरेंद्र पाटिल को। सो वो जमाना अलग है, जो चिकमंगलूर का काफी जो बात चली है इस बार भी, उस जमाने में ऐसा था कि कांग्रेस का इतना बड़ा मजबूत था कर्नाटक जो गढ़ और पूरा दक्षिण भारत जैसे आंध्र भी और कर्नाटक। अभी फिलहाल तेलंगाना कांग्रेस चाहता है कि वापस वो गढ़ बने, क्योंकि बीआरएस का जो नाश हुआ है इलेक्शंस में, रिजल्ट्स में हार हुआ है, उसके बाद कांग्रेस चाहता है कि एटलीस्ट 10 सीटें हम तेलंगाना में जीतना चाहिए आउट ऑफ 17 सीटों में से। तो इसीलिए कांग्रेस चाहता है कि वहां से कोई परिवार से लड़े तो दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी फिलहाल अगर आप देखें ऐसे गढ़ अगर कांग्रेस का हो तो एक तो केरल है, दूसरा तमिलनाडु बिकॉज ऑफ द डीएमके। कर्नाटक का जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स जो कहा जाता है, ये किसी का भरोसा नहीं कर सकता, किसी को भी कोई भी हरा सकता है कर्नाटक का, वो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कहा जाता है कर्नाटक का। जहाँ की जैसे आप मानते हो भाजपा जो हर जगह पे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, कर्नाटक में भाजपा भी येडियुरप्पा का भरोसा में चलना पड़ता है। तो क्यों वो उसका रीजन ये है कि जेडीएस कांग्रेस कर्नाटक में सबसे अमीर लेजिस्लेटर्स होते हैं। तो अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज कर्नाटक में है कि कोई स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़ा करने के लिए। जैसे KH नियप्पा थे 7 टाइम एमपी, वो तो अभी स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, तो कोलार कंस्टिट्यूएंसी में फिर कांग्रेस किसको खड़ा करेगा? पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी गुलबर्गा नहीं लड़ना चाहते हैं, उनका सन इन लॉ शायद लड़ेंगे। और HC महादेवप्पा जो चामराजनगर का जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनका बेटा शायद वहां पे लड़ेंगे। बैंगलोर साउथ में सौम्या रेड्डी जो MLA हार गए थे, उनके पिताजी रामनाथ रेड्डी, रामलिंग रेड्डी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो शायद लड़ेंगे। तो बेसिकली कर्नाटक में कांग्रेस या भाजपा किसी भी पार्टी हो, एक तो मनी पावर देखना पड़ेगा, दूसरा कैंडिडेट को किस तरह की अलायंसेस है, कहां किस किस का सपोर्ट है, ये सब देखकर लड़वाना पड़ेगा। तो कांग्रेस का लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और भाजपा के लिए मंडिया बहुत बड़ा चैलेंज होगा मारिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मंडिया था, सुमला था, उन्होंने पिछले बार भाजपा का समर्थन और कांग्रेस का भी समर्थन था, उस वक्त दोनों का समर्थन से जीते थे। अभी इस बार कुमारस्वामी को दे दिया वो सीट। सुमलता पिछले बार इलेक्शन में कुमारस्वामी का बेटा निखिल कुमारस्वामी को मंडिया हराई थी। अब उनको वैसे सीट जो भाजपा के लिए मिला था, जो इंडिपेंडेंट एमपी, उस सीट आपने उस अलाई को दिया जो हारा था भाजपा के सामने, जैसे कोलार। तो इन सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कर्नाटक पॉलिटिक्स में और इंटरेस्टिंग रहेगा, दिलचस्प रहेगा पूरा नाम निकल आने में। आप यूपी बिहार हमारे ये जो बात वीरा बोल रहे हैं, मैं एक बात बताऊं कि दिल्ली की आप सियासत में देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस को पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 22-23% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 17-18% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस ने 7 में से उसको केवल 3 सीटें भी यहाँ पर मिली हैं दिल्ली में। रवीश, और उन तीनों नेटवर्क में थोड़ा इशू है, रवीश नेटवर्क में इशू है, तो हम रणवीर से ये पूरा कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं। रणवीर, कितने सूत्र से आज मुलाकात हुई और कितने से अभी होने वाली है? देखिए, एक सूत्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे रणवीर अगर आप सुन सकते हैं। चलिए, एक सूत्र हैं जिनसे मुलाकात हुई, बात हुई। हमने पूछा कितनी सीट, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा रणवीर भाई थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अभी भी हम लोगों को इस बात की आशंका, अंदेशा है कि बहन जी कहीं इंडिया अलायंस में ना चली जाए, और अगर बहन जी जाती हैं तो कुछ सीटों पे हमें लॉस होगा। हालांकि बहन जी बार-बार ये भी अभी मुमकिन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से, बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन लोगों की कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है और डेट अनाउंस होने के बाद अगर बहन जी ने अचानक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस घोष कर दिया गया, कुछ सीटें उनके मनमाफिक दे दी गई और अगर वो चली गई तो हमारी कुछ सीटें जरूर घट सकती हैं। और अगर बहन जी नहीं जाती हैं तो बीजेपी की सबसे इंटरेस्टिंग जो कहां जाएंगे वो? अकेले अभी तो लड़ना है उनको, कहां जा रही है बीजेपी? हाँ, लेकिन आप जाएंगे तो कहां जाएंगे? हाँ, बीजेपी इंडिया, क्योंकि कांग्रेस लगातार उनसे अपील कर रही है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वो आ जाएं, क्योंकि हमको बीजेपी को हराना है, हम एक जैसी सोच रखते हैं। लेकिन बहन जी आज काशीराम की जयंती है और उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तो बीजेपी के सूत्र एक तो ये कह रहे हैं कि बहन जी अगर जाती हैं तो कुछ सीटों पे हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और कुछ ओबीसी या बाकी जो वोटर्स हैं अगर वो मिल जाते हैं तो कुछ सीटों पे हमें लॉस होगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि बहन जी को प्राइम मिनिस्ट्रियल चेहरा घोषित कर दिया जाए। एक सूत्र से मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर दें तो 27 हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जो सूत्र हैं उनसे मुलाकातें होती हैं। लेकिन कभी कभी सूत्र भी हवाबाजी बहुत कर लेते हैं रणवीर, अच्छी बात यह है। चलिए, इसी बात पर हम इसी कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि सूत्र के पास हम फिर से जाएंगे और फिर से कॉल लगा के पूछते हैं कि सूत्र क्या कह रहे हैं। रणवीर, रवीश और वीरा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।